गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ओलंपिक गेम्स सुना आप लोगों ने? ओलंपिक गेम्स सुना है? तो ये गेम शुरू हुआ, सबसे पहला जो गेम शुरू हुआ वो ओलंपिक से शुरू हुआ। और ये गेम के पीछे मुझे लगता है जिन्होंने शुरुआत किया, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा स्टडी, मैं इस पर बहुत ज्यादा स्टडी किया हूं, उसके बाद जो मुझे पता चला कि अरे बाप रे, इतने सारे चीज के अंदर छुपा हुआ है, मतलब हैरत अंगेज एस्टोनिशिंग पॉइंट्स, कि आप मैं हैरत में पड़ जाएंगे कि बाप रे, गेम में इतना सारा, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन हम उसको मतलब भलाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस उधर ही जा रहे हैं, टेढ़ा रास्ता की तरफ, सीधा रास्ते में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसका फायदा नहीं। देखिए सबसे पहला क्या है कि दुनिया में कोई भी ऐसा निजाम, देयर इज नो सिस्टम इन दिस वर्ल्ड टू पनिश अ पर्सन ऑन द स्पॉट। फिर मैं दोहराता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट इट, देयर इज नो सिस्टम इन दिस वर्ल्ड टू पनिश अ पर्सन ऑन द स्पॉट फॉर हिज मिस्टेक्स एंड एरर्स। कि दुनिया में कोई भी ऐसा निजाम या कोई भी ऐसा संस्था या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें गलती करने वाले को ऑन द स्पॉट, मतलब वहीं पर सजा दिया जाए, सिवाय गेम के। अब मामा, अब बताइए, यहाँ क्रिकेट चल रहा है, बॉल किया है ना, फेंका गेंद और फेंक दिया क्या? नो, दैट इज अ मिस्टेक। नो फेंक दिया, क्या हुआ? नो फेंक दिया। अब क्या क्या बोलता है अंपायर, क्या बोलता है ऐसा? मतलब उस गलती की सजा भुगतो। अब बोलना है कि इस बार तुम कितना भी अच्छा गेंद फेंक दो, आउट कर दो तो आउट नहीं, आउट कर दो तो आउट नहीं। अब बल्ले वाला बोलते हैं, अब बेटा अब आओ, देखते हैं, अब रेडी रहता है, बोलते हैं आउट हो जाए तब तो आउट नहीं, मारो दबा के। क्यों? क्योंकि जब जो नो बॉल होता है, आपने नियम का उल्लंघन कर दिया, आपने एक गलती कर दी, उसकी सजा आपको ऑन द स्पॉट दिया जाता है। कोई ऐसा है तरीका दूसरा जिसमें इस तरीके की सजा दी जा सकती हो? पट से उसी वक्त वाइट दे दिया, क्या हो गया? वाइट फेंक दिया, बोला कि ठीक है तुमने और एक उल्लंघन किया, क्या हो गया? आपको जो है रन देना पड़ेगा, लेकिन आपकी आपकी बॉल की गिनती नहीं होगी, आपकी बॉल की गिनती नहीं होगी। फिर आप जो है मेहनत करो, देख रहे हो आप कितनी जबरदस्त जो है सजा है कि नहीं है, बताओ है। उसके बाद देखो कि कितनी मेहनत कर रहा है, एकदम क्या चाह रहा है, आते 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 आ गया, और पीछे होते होते थोड़ा सा टच हो गया, जो है बाउंड्री जो है लाइन है उससे थोड़ा टाइट टच हो गया, पकड़ लिया है, लेकिन बोला आउट नहीं। क्यों? क्यों बोला है कि आपने नियम को तोड़ दिया, मतलब नियम यह है कि आपको बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। तो तभी देखिए, और इसमें जो है बड़े से बड़े ताकतवर, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है ना, वो पट से कभी कभी आउट हो जाता है, एक ही बॉल में आउट हो जाता है। और जो मेहनत से खेलता है उसका आर्ट्स होता है, कला का, जैसे सचिन तेंदुलकर की, वो कला से ये करते और उसकी वजह से बॉल कैसे घुमा देते थे बल्ले से कि छक्का जा रहा है बिल्कुल आराम से, पता ही नहीं चल रहा है फोर जा रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गेम में क्या चीज है, देखो कि आप दिग्गज है, सबसे बड़े प्लेयर है, लेकिन अंपायर ने आपको क्या कर दिया है, क्योंकि आपने मारा ऐसा, आउट कर दिया, तो आपको वह स्वीकार करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा आप हार गए। जैसे अभी अभी ये जो अभी फुटबॉल का हुआ, आपने दिग्गज रोनाल्डो, जिसको हम बचपन से सुन रहे थे उनका नाम, और एक जो है साधारण टीम से वो जो है हार जाते हैं, और उसके बाद जो है नॉकआउट हो जाते हैं उनका। तो वहां पर जो है ये सब रिया, संयम या पैशन अपने ऊपर जो है रखने का, धैर्य रखने का जो है सबसे बड़ा जो है आपको ये सिखाता है गेम, कि हमेशा आप जीतते नहीं है, कभी कभी जिंदगी में आपको हार जो है का सामना करना पड़ता है। जब हार जाते हैं, जैसे इम्तिहान देते हैं और ये हो जाता है, तो गेम में ये सिखाता है कि आपको कैसे अपने आप को ऊपर कंट्रोल करना है कि नहीं मामा जी? इससे क्या सीख में आता है, देखो कि आपस में जो है सबको, एक बॉलर बहुत बड़ा बैट्समैन हो सकता है? नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो ऑलराउंडर हो, लेकिन उसमें से कुछ जो है बैट्समैन होते हैं बहुत अच्छे, कुछ बॉलर अच्छे होते हैं, कुछ फील्डर्स, आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में मिल करके जब खेलते हैं, तब जो है फिर वो टीम जीत जाती है।
अब मनमानी जो करता है, जो कैच छोड़ दिया, फील्डिंग सही से नहीं कर रहा है, जाओ जाने दो, क्या मेरा फर्क पड़ेगा, या बॉलिंग सही से नहीं कर रहा है, तो फिर वो टीम कभी नहीं जीतता। आपस में जो है मिलके मेहनत करने का ये कितना बड़ा जो है पद्धति है, कितना बड़ा जो है सिस्टम है। अब बताओ यही बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, मामा बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं अपने गांव, अपने बस्ती, अपने घर की बात बता रहा हूँ, जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो घर का नियम पहले तोड़ता है, अपने बाप अंपायर को, अंपायर तो मानता है, लेग अंपायर को मानता है, थर्ड अंपायर को मानेगा, लेकिन अपने बाप जो उसका सबसे बड़ा अंपायर है अपने घर का, वो बोला बेटा आज यह बहुत जरूरत है, आज खेलने, आज प्रैक्टिस करने मत जाओ, आज चलो वहां पर थोड़ा काम है, हमको ले चलो। हमेशा जो है मतलब वही जाना है, ये करना है, वो करना है, अटिंग उड़िंग करके वो जो घर से, तो खेल को माना, खेल क्या बोलता है, खेल क्या बोलता है बताओ, खेल तो बोलता है नियम को पहले माना, नियम नहीं मानोगे तो, देर इज नो गेम विदाउट रूल्स। फिर मैं बोलता हूं सुनो सही से, देर इज नो गेम विदाउट रूल्स। अगर रूल नहीं है तो वो गेम ही नहीं है, मतलब मनोरंजन करना है, खेल तो सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है ना, खेल इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन है, और इस साधन के पीछे क्या है, रूल्स है, रूल नहीं है तो वो गेम हुआ नहीं। तो कितना बड़ा ट्रिक है बताओ, कितना बड़ा हमारा टिप्स है इस गेम के अंदर, कि अगर हम उस गेम को समझते नहीं है, अगर उस गेम के रूल्स को अगर हम अपनाते नहीं है, आपको मजा आएगा क्रिकेट को, आपको मजा आएगा, जो लोग नहीं जानता नियम बोला अरे क्रिकेट ऐसा क्या कर दिया, बंदर जैसा वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको पता ही नहीं चला, मजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को फुटबॉल मजा नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो रूल्स नहीं जानता। तो इससे हमको समझता है, ये गेम से पता चलता है कि वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर लाइफ टू एंजॉय, टू एंटरटेन आवरसेल्फ एंड टू हैव जॉय इन योर लाइफ। आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ खुशहाली चाहते हो ना, इंजॉय करना चाहते हो अपने लाइफ को, एंटरटेन करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, रूल को अपनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ये कहां से हमको पता चला, गेम से। अब बताओ यहां तो अंपायर सजा दे दिया, तो पर्स मान लिया, बोला ऐसा, तो बोला ठीक है, मतलब तिल मिला करके कि चलो अब क्या करेंगे, जब नो हो गया है, उसका कप्तान भी उसको गरम देखता है ना, कि ऐसा जो लास्ट ओवर है और चाहिए उसको विकेट, और उल्टा दे रहा है नो, इधर हो सकता है छक्का मार दो जीत जाए, तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर भी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी वो उस बात को मान लेता है, मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन घर में बोलता है बेटा आज नहीं जाओ, आज जो है मतलब बहुत बड़ा काम है, हमको ले जाना है, तो वो ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है देखता हूँ, उसके बाद चुपके से निकला और चाबी लगाया बाइक में, घूम, और उसके बाद बाप अपना जाए, जो भी करे उससे कोई मतलब नहीं, माँ बोला बेटा ऐसे पढ़ो लिखो, अब पूरा थक करके आता है, पढ़ेगा क्या, तो पढ़ाई जाए भाड़ में, घर का काम जाए कहाँ, भाड़ में, और जो है घर की जो है घर के और सारे जो ये है सब बालाएं ताक रख करके वो सिर्फ जो है उल्लू की तरह देख रहा है, तो असल में वो गेम को देख रहा है लेकिन गेम को समझ नहीं आ रहा, समझ रहा है नहीं। अब समझ में आया गेम, यस सर। तो गेम से क्या समझ में आया, आपस में मिलके काम करना है, गेम से क्या समझ में आया, आपस में मिलके काम करना है, जैसे आप पढ़ते हो ना, आपस में सहयोग करना है, तब जाके इस कोचिंग का नाम, तब जाके इस इलाके का नाम, तब जाके आप स्कूल का नाम, तब जाके आपके घर का नाम रोशन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ये लड़की मैथ में अच्छा है तो वो जो है क्या कहते हैं, सब कोई मैथ में अच्छा हो, कोई इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ में, कोई और दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन आपस में मिल करके जब समझेंगे आप लोग तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, तब आप विनर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको विदाउट रूल्स आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, जैसे इंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं, एक मिसाल देता हूं, एक छोटी सी मिसाल लेकिन जबरदस्त, कि रूल से कैसे इंटरटेन करते हैं, जैसे गेम वाला तो मैंने बताया है, लेकिन आप जो है घर में जाओ और चाय पीते हो तो मजा आता है ना, आता है कि नहीं आता है, अब चाय को पद्धति को फिर आप उलट दो, जो नियम है
बनाने का उसको क्या कर दो, उलट दो। कैसे करो, चाय की पत्ती को पहले भूनो, क्या करो चाय की पत्ती को भून लो, उसके बाद जो है चीनी डालो, लिक्विड हो जाएगा लच्छा लट्ठा टाइप का, उसके बाद उसमें पानी डालो, चाय बनेगी जी? नहीं, क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है लेकिन वो चाय नहीं बन सकती है। और पी करके देखो मजा आएगा, होता ही है, सब उल्टा पुल्टा करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, उल्टा पुल्टा जो है तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि वाह मजा आ जाएगा जिंदगी में, कामयाब हो जाएंगे, है ना, और कामयाब का स्वाद हम चख लेंगे, तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल, तो संभव नहीं है। तो आज से क्या करना है आप लोगों को, मेहनत करनी है, तरीके से करनी है, ठीक है, और क्या करना है, नियम को फॉलो करना है, मिल करके मेहनत करनी है, माँ बाप का सम्मान करना है, जैसे रेफरी का सम्मान ना हो रहा है जी, माँ बाप का सम्मान करना है, उनकी बातों को उनको सहयोग करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर हैं वो कभी भी इस तरह के बकवास में अपनी जिंदगी नहीं काटेंगे। और उल्लू बनोगे आप लोग, उल्लू कौन कौन बनेगा, उल्लू बताओ, बनोगे कोई? वाह मजा आ गया, हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं।